भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार अभिनेता पवन सिंह और अक्षरा सिंह का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। पवन सिंह और अक्षरा सिंह के विवाद पर भोजपुरी इंडस्ट्री के सभी बड़े सुपरस्टारों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है और खेसारी लाल यादव ने हाल ही में दुनिया फिल्म साइन की थी, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया ने पवन सिंह और अक्षरा सिंह के ऊपर चल रहे विवाद पर खेसारी लाल यादव की प्रतिक्रिया मांगी तो खेसारी लाल यादव भड़क उठे मीडिया पर। खेसारी लाल यादव ने कहा, अगर मेरे बोलने से इस मामले को शांति मिल जाए तो मैं बोलने के लिए तैयार, ये मामला मेरे बोलने से और भी बढ़ेगा, इसलिए मैं इस पर कुछ भी बोलना नहीं चाहूंगा। लेकिन आज उस बयान के बाद सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के साथ पवन सिंह की खासा मुलाकात हुई है। जी हां, अभिनेता खेसारी लाल यादव से पवन सिंह की खासा मुलाकात हुई है। दरअसल अभिनेता पवन सिंह खेसारी लाल यादव के मैनेजर यानी सोनू पांडे के जन्मदिन पर पहुंचे और खेसारी लाल यादव से खासा मुलाकात की। सूत्रों का दावा है कि पवन सिंह अपने इस मसले को सुलझाने के लिए खेसारी लाल यादव की मदद लेने के लिए आए हैं, क्योंकि अक्षरा सिंह लगातार पवन सिंह पर नए नए एलिगेशन लगा रही हैं, लेकिन पवन सिंह ने अभी इस पर कोई भी अपनी टिप्पणी नहीं दी है। तो लोगों और मीडिया दोनों को यही लगता है कि अक्षरा सिंह के साथ पवन सिंह ने कुछ न कुछ गलत किया है, तभी पवन सिंह मीडिया के सामने आकर कुछ बोलना पसंद नहीं कर रहे हैं। वहीं पर खेसारी लाल यादव ने भी किसी का साथ दिए बिना ये कह दिया कि मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। वहीं पर अभिनेता पवन सिंह की बात करें तो पवन सिंह ने अभी इस पर कोई भी अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी है। हालांकि एक बार देवघर के शो के दौरान अभिनेता पवन सिंह ने कहा, लोग चाहते हैं मैं बोलूं लेकिन मैं चुप रहने में अपनी भलाई समझता हूं, मैं चुप ही रहूंगा। हालांकि अक्षरा सिंह फैंस और अक्षरा सिंह का यह दावा है कि अगर आप सही हो तो मीडिया के सामने आकर लोगों को सच्चाई बताओ, लेकिन अभी तक पवन सिंह का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया। लेकिन पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की इस खास मुलाकात पर प्रयास लगाए जा रहे हैं कि पवन सिंह अपने मसले को सुलझाने के लिए खेसारी लाल यादव से खासा मुलाकात कर रहे हैं और खेसारी लाल यादव से बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर सुझाव हमें जरूर दीजिए।